से मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स बिल्कुल बहुत ही अच्छे होंगे जैसा मुझे लग रहा है। आज आपके लिए अपडेट जो है वो खुशखबरी लायक नहीं है, इसलिए क्योंकि ये खबर जुड़ी हुई है यूक्रेन से। यूक्रेन में जो वॉर हुआ था उसको लेके बहुत सारे मेडिकल एस्पायरेंट्स जो थे, जो मेडिकल परस्यूम कर रहे थे यूक्रेन जाके, वो हमारे देश में वापस आए। उनका एक ऐसा अनुमान था कि जो मेडिकल की कमेटी है यहाँ पर, जो केंद्रीय सरकार है, उसे फिर से मौका देगी अपने मेडिकल संस्थानों में मेडिकल परस्यूम करने में और उनको कंप्लीट करने में। तो अब तो आज का न्यूज़ सुन के आप लोग खुश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि केंद्रीय सरकार के द्वारा ये बात कही जा रही है और शायद ये बात सही भी है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं फिर इसके ऊपर क्लेम करने लगेंगे। मैं इसे विस्तार से आपको बताता हूँ। जो स्टूडेंट यूक्रेने गए, यूक्रेने से फिर उसने वापस आया, यानी युद्ध के दौरान बहुत सारे कोई फर्स्ट ईयर में थे, कोई सेकेंड ईयर में थे, कोई थर्ड ईयर में थे, कोई फोर्थ ईयर में थे, इस तरीके से जो स्टूडेंट थे वो परस्यूम करते हुए यूक्रेने के वॉर के दौरान, वॉर हो गया तो वहाँ से सभी कोई को खाली, जो अभी रिसेंट का है ये आप लोग सभी कोई जानते हैं। अब जो मेन मुद्दा है कि आखिर इसके पीछे अभी स्टेटमेंट क्या आया है, तो केंद्रीय सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील पेश की है, उस दलील में यही कहा गया कि जो भी स्टूडेंट यहां से यूक्रेन गए, इसका मतलब यही था कि यहां के नीट को क्वालिफाई वो नहीं कर पाए, उनका मार्क्स बहुत कम आया था, इसी के वजह से वो यूक्रेन गए। और यूक्रेन में MBBS की फी बहुत कम होती है, जिसके वजह से वो विदेश चले गए और विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी और वो वापस चले आए। तो सबसे मेन मुद्दा ये उठा कि उन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया, यानी MBBS के जो क्राइटेरिया पे उनको जो खड़ा उतरना था वो नहीं उतरे और वो विदेश चले गए। तो क्या अगर वो फिर से यहां पर आए हैं, तो अगर मैं उनको प्रवेश दे दूंगा MBBS के लिए, तो और जो मेरी यहां के स्टूडेंट हैं जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनका दावा अगर वो करेंगे तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। भी बात अगर सोचा जाए तो बहुत सही केंद्र सरकार बोल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हम लोग ऐसा जानते हैं कि अगर हम लोग का अच्छा मार्क्स नहीं आता है, जो हम लोग अपने इंडियन क्राइटेरिया पे, जो MCC और जो NTA क्राइटेरिया बनाती है, उस क्राइटेरिया पे हम लोग खड़े नहीं उतरते हैं, मार्क्स कम होता है, तो इसके बाद हम लोग विदेश का रुख करते हैं। लेकिन अब तो वहां पे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो अब यहां आने के बाद आखिर यहां के टर्म एंड कंडीशन को हम लोग फिल करेंगे तभी तो हमें एडमिशन मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने सीधे नकार दिया है कि जो भी स्टूडेंट यूक्रेन से आए हैं उनका फिर से मेडिकल के लिए उसी स्थिति से, जो अगर पार्ट वन में, पार्ट टू है, पार्ट थर्ड में, उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो एक बहुत बुरी खबर है जो यूक्रेन से जो फॉरेन से स्टूडेंट आए हैं उनके लिए। खैर, जो मेरे नीट एस्पायरेंट है, जो इस बार के 2022 के जिन्होंने एग्जाम दिया है, मैं उनके लिए मैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं, क्योंकि उनका भी बहुत जल्दी अब काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई, अपने मेंटर, अपने दोस्त को आगे बढ़ाइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो कि आपका ही चैनल है, और अपने दोस्तों लोगों के बीच में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।